मैं अमित कुमार श्रीवास्तव अपने इस YouTube चैनल दया मैथ्स एनलिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं तो आज के इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट जो है क्लास टेंथ के सैंपल पेपर से रिलेटेड है, तो अगर आपका मैथमेटिक्स बेहद ही कमजोर है तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, ताकि इसकी बेहतर नॉलेज आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को लेकर के। पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या, द सम ऑफ फर्स्ट फाइव पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइड बाय सिक्स इज, यानी आपको पहले ऐसे फाइव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जो सिक्स से डिविजिबल होना चाहिए और उनका सम क्या होगा ये आपको पता करना है। आपको सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि पहले हम वो फाइव इंटीजर्स लिखें जो कि सिक्स के मल्टीपल हों। तो देखिए इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर लिखेंगे तो सिक्स लिखेंगे, ट्वेल्व लिखेंगे, एटीन, ट्वेंटी फोर, थर्टी, क्लियर। तो हमने ये फाइव पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, अब हमको इसका सम पता करना है। तो आप एग्जामिनेशन में ऐसा ना करें कि सिक्स प्लस ट्वेल्व ऐसे करें, इसके लिए एक फार्मूला है जो कि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बताया गया कि एस एन यानी सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं एन बाई टू और ब्रेकेट में ए प्लस एल कर लें। ए जो होगा पहला टर्म हो जाएगा, एल जो होगा आखिरी टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के फाइव टर्म्स हैं, तो फाइव रख दें, टू कर लें, डिवाइड में टू कर लें। सीरीज़ का पहला टर्म आप देख रहे हैं सिक्स दिया गया है और अंतिम जो टर्म जो है थर्टी है, इसको आप ले लीजिए, फाइव बाई टू कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे थर्टी सिक्स होगा, थर्टी सिक्स को टू से डिवाइड करोगे तो एटीन मिल जाएगा और एटीन में फाइव का जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर नाइन्टी हो जाएगा। तो जो पहला क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसमें अगर ऑप्शन चेक करेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो यहाँ पे आपको बी वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बिलोंग करता है। यहाँ पे देखो दिया गया क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए, अब ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट 0.6 है जो कि बी का दिया गया 0 और -2 दिया गया और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम एक लाइन सेगमेंट ले रहे हैं ए और बी, ए की जो कोऑर्डिनेट पॉइंट जो दी गई है वो 0.6 दी गई है और बी की दी गई है 0 -2 दिया गया है। तो हम लोग क्या करें कि इसको हम लोग एक्स वन वाई वन कर लेते हैं और इसको हम लोग एक्स टू वाई टू कर लेते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला होता है कि डी इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का, यहाँ पे देखिए माइनस है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक्स टू की वैल्यू देखेंगे, एक्स टू की वैल्यू यहाँ पे 0 दिया गया है और एक्स वन की वैल्यू यहाँ पे 0 दी गई है, तो ये 0 - 0 का स्क्वायर कर देंगे तो भी 0 ही रहेगा फिलहाल। अब यहाँ पे वाई टू की वैल्यू दिया गया -2 और वाई वन की वैल्यू यहाँ पे 6 दी गई है, तो यहाँ पर के बीच माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दें और 6 लिख दें और इसका स्क्वायर जरूर कर दीजिए आप। तो जब सॉल्व करेंगे तो चूंकि 0 में से 0 घटाओ 0 मिलेगा, तो यहाँ तो रिजल्ट तो 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ देखिए -2 और -6 को सॉल्व करोगे तो अभी तो -8 मिलेगा, क्लियर 0। और यहाँ पे जब किसी निगेटिव का जब आप स्क्वायर करोगे तो उसका आंसर पॉजिटिव में जाएगा, तो ये मिलेगा +64। अब यहाँ पे अंडर रूट 64 मिला, अब 64 को तुम क्या ले सकते हो, अब 64 8 का स्क्वायर है तो इसका जो सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको 8 मिल जाएगा। तो अगर आप चेक करना चाहते हो कि इसका कौन सा आंसर करेक्ट है तो आप ऑप्शन में चले जाइए, ऑप्शन में आपको देखिए आपको सेकेंड वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो कि सिमिलर ट्रायंगल के बेसिस पे है और इस तरह का क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में अल्टरनेट करके पूछा गया है गैप करके। अब यहाँ पे देखो दिया गया क्या कि साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, क्लियर, एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, कह रहा है क्या कि दो सिमिलर ट्रायंगल है। मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी और आपने दूसरा ट्रायंगल बना लिया पी क्यू आर, तो कह रहा है क्या कि इनके साइडों का रेशियो, तो जब सिमिलर ट्रायंगल जब रहेंगे तो उनके जो साइडें जो होती हैं कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी अगर ए बी बाई पी क्यू का रिलेशन लेते हैं तो इसका रिजल्ट जो होगा वो बी सी बाई क्यू आर के बराबर होगा, ए सी बाई पी आर भी जो होगा इन्हीं के ही बराबर रहेगा ये। तो चूंकि साइडों का रेशियो दे दिया गया है तो मान लीजिए कि ए बी बाई पी क्यू का जो रेशियो है, यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में देखो दे दिया गया है यहाँ पे 4:9 यहाँ पे मेंशन किया गया है 4:9, तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 4:9 हमने ले लिया,
लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, इनके एरियाज का रेशियो पूछा जा रहा है। तो अगर मान लीजिए अगर हम इनके एरियाज ट्रेंगल ए बी सी और एरियाज ट्रेंगल पी क्यू आर का अगर हमको निकालना है, तो हमें करना क्या है कि जो इनके साइडों का जो रेशियो दिया गया है ना, बस हमें इसी का होल स्क्वायर कर देना है। तो इस रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी है कि अगर दो ट्रेंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके एरियाज का जो रिज़ल्ट जो होता है वो साइडों के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा कि हमें ए बी बाई पी क्यू ले करके इसका हमें होल स्क्वायर कर देना है। अब मान लो ए बी बाई पी क्यू का जो रिज़ल्ट था वो 4/9 था, तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इसका रिजल्ट जो होगा वो 16/81 हमें मिल जाएगा। तो ये जो है इसका आंसर है। अब हम लोग चेक करते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो हम लोग ऑप्शन में जब हम लोग आएंगे तो देखिए यहाँ पे 2:3 दिया गया है, 4:9 दिया गया है, 81:16 दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया 16:81। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन गलत कर दिया है, ये एक्चुअली में 81 होना चाहिए। क्लियर? तो इसमें आपको जो है डी वाला ऑप्शन आपको मिलेगा इसमें। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री से है। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रॉब्लम दिया गया है कि अगर फोर टेन थीटा की वैल्यू 3 के बराबर हो तब आपको इसका रिजल्ट आपको पता करना है। तो इसे निकालने का क्या तरीका है इसे आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए कि फोर टेन थीटा इक्वल टू 3 लिया गया है। तो यहाँ पर देखो अगर टेन थीटा की वैल्यू को निकालना होगा तो आपको क्या करना है, इस 4 को हटाओ और इस यहाँ लेफ्ट साइड से लेकर के राइट साइड मिलाओ। तो चूंकि ये मल्टीप्लाई से कनेक्टेड है तो इधर आने पे क्या हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 3/4। तो आप क्या करिए, इस ये जो क्वेश्चन जो दिया गया है इस क्वेश्चन का आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा। क्या कर लेते हैं हम लोग कि न्यूमरेटर को और डिनोमेटर को हम लोग कॉस थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ मैं कि आप न्यूमरेटर और डिनोमेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि यह जो फॉर्मेट जो होगा ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। कैसे होगा जरा देखिए आप, मान लो आपके पास है 4 sin θ - cos θ, ये तो न्यूमरेटर में दिया गया था, तो इसको कॉस थीटा से डिवाइड करिए। तो यहाँ भी कॉस थीटा से कर लीजिए और यहाँ भी कॉस थीटा से कर लीजिए। अब जो डिनोमेटर जो था, डिनोमेटर में था 4 sin θ था और प्लस cos थीटा था, तो यहाँ भी आप क्या करिए cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि जो sin अपन cos होता है ना, sin अपन cos, ये 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 tan θ इसकी जगह पे। तो 4 tan θ - 1 upon, अब यहाँ पे देखो यह भी क्या होगा, 4 tan θ हो जाएगा और यहाँ प्लस 1 आएगा क्योंकि यहाँ बीच में प्लस साइन लगा हुआ है। अब जो टेन थीटा की वैल्यू, अब देखो टेन थीटा की वैल्यू हमने 3/4 यहाँ पे निकाले हुए हैं आप देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि बस यहाँ पे टेन थीटा की जगह पे 3/4 हमें रख देना है, माइनस 1 कर दिया और यहाँ पे भी 4 × 3/4 - 1। तो 4 कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हो गया। देखिए मैं एक गलती कर रहा था, यहाँ प्लस का साइन मैं छोड़ रहा था। तो अब यहाँ देखिए 3 में से 1 को सेपरेट करेंगे तो 2 मिल जाएगा, 3 + 1 को करेंगे तो 4 मिलेगा, और इसको छोटा करोगे तो 2 1 या 2 2 2 या 4, यानी 1/2 इसका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बी ऑप्शन आपको दिया गया है 1/2। ठीक है, ये लगाने का तरीका हो गया। तो अगर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन और वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में 10th की इंपॉर्टेंट वीडियोस लगी है, उसे जरूर देखें। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया क्या कि द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 cm। कह रहा है क्या कि एक सर्कल दिया गया है और इस सर्कल में एक स्क्वायर बना हुआ है। मान लीजिए कि ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो कह रहा है क्या कि रेडियस की जो वैल्यू जो दी गई है वो 8 cm, मान लीजिए यहाँ पे ओ सेंटर है और ओ से सी की दूरी जो है 8 cm हो गई। तो अगर ओ सी 8 cm है तो अगर हम ओ ए को मिला दें तो ये भी 8 cm होगा। तो ये पूरा ए सी जो डायगोनल लेंथ है जो स्क्वायर का, वो टोटल 16 cm हो जाएगा। और स्क्वायर का, अब चूँकि स्क्वायर जो होता है वो एक रोम्बस की तरह ही होता है, ठीक है, स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं, और रोम्बस के एरिया का जो फार्मूला जो होता है, यानी एरिया ऑफ
स्क्वायर इज इक्वल टू, अब चूंकि स्क्वायर रोम्बस होता है तो इसीलिए मैं स्क्वायर को एरिया ऑफ रोम्बस ही लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। यहाँ पर डी वन और डी टू जो हैं ये डायगोनल्स को इंडिकेट करते हैं। अब स्क्वायर में डायगोनल लेंथ की जो वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे हाफ, और डी वन की वैल्यू कितनी होगी, ये पूरा ए सी जो होगा 16 सेंटीमीटर होगा, तो 16 इंटू 16, और चूंकि एरिया निकालना है तो इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में चला जाएगा, तो 28 जा 16 और 8 में 16 का मल्टीप्लाई करो तो 128 आएगा। तो इसका जो आंसर जो है वह 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि इसमें बी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का वेट भी रहेगा। और शाम को मैं कोशिश करूँगा मैं कि आपको इस पर एक दूसरी वीडियोज़ बना के दूँ मैं, तो ये एपिसोड 1 है, एपिसोड 2 हो सकता है आपको शाम को मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद जय भारत।